हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा TWRP रिकवरी की लेटेस्ट वर्जन के बारे में, जो कि लिनोवो K3 Note के लिए है। TWRP, इसका फुल फॉर्म है टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट, एंड इसको आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बूट लोडर को अनलॉक करना होगा। तो एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इसकी मदद से आप अपने करंट सिस्टम्स की अलग अलग पार्टीशंस को बैकअप कर सकते हो एंड रिस्टोर कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप किसी भी फ्लैशेबल जीप या इमेज फाइल्स को इंस्टॉल कर सकते हो एंड और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसकी मदद से। एंड अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है 3.2.1.0, लेकिन लिनोवो K3 Note के लिए 3.2.0 अभी ही वर्जन लॉन्च हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल तो अपडेट नहीं मिलता TWRP का, तो इसलिए इसको पोर्ट करने में कुछ टाइम लगता है। तो इस वर्जन में इस बार बहुत से इम्प्रूवमेंट किया गया है एंड कुछ नए फीचर्स भी ऐड हुआ है। और इसका जो पहले वाला वर्जन था लिनोवो K3 Note के लिए 3.1.1, तो उसमें एक प्रॉब्लम था जो कि इस बार फिक्स हो गया है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपका फ़ोन रूटेड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी की बैकडेटेड वर्जन होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपडेट कर सकते हो। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स है एंड कैसे इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। तो सबसे पहले आप किसी भी एक ब्राउज़र पर आ जाइए, देन आप नीडम की इस पोस्ट पर आ जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है TWRP 3.2.0 फॉर K3 Note, एंड ये जिप सपोर्ट करता है एंड्रॉयड 5.1 से लेकर एंड्रॉयड 8.1 तक, यानी कि लॉलीपॉप से लेकर एंड्रॉयड ओरियो के लेटेस्ट वर्जन तक। देन इसके बाद नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर कुछ स्क्रीन शॉट्स है इससे रिलेटेड, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगा एंड इसका ऑफिशियल चेंज लॉग्स पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा, क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है एंड कौन सी नए फीचर्स इसमें ऐड हुआ है। एंड इसके 3.1.1 वर्जन में एक प्रॉब्लम था, अगर उसमें आप किसी भी सिस्टम को बैकअप करते हो तो वो बैकअप किसी भी नाम से सेव हो जाता है, उल्टा सीधा नाम से। लेकिन ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया है 3.2.0 वर्जन के आने के बाद, तो अब ये ठीक नाम से ही बैकअप लेता है। तो इसके बाद स्क्रॉल अप कीजिए एंड नीडम पे लॉगिन हो जाइए। इसके बाद आप इन दोनों में से किसी एक को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर दोनों ही। एक तो है नॉर्मल वेरियंट पर्पल थीम्स के साथ एंड दूसरा है स्पाइडरमैन वेरियंट, तो आपको जो डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्टार्ट डाउनलोड करना है, देन आप प्राइमरी डाउनलोड पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। तो फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद देन इनको आप किसी भी एक स्टोरेज पे प्लेस कर दीजिए एंड उसके बाद आप अपने फ़ोन को रिबूट कीजिए रिकवरी पे। तो रिकवरी पे आने के बाद पहले तो आप अपने प्रीवियस रिकवरी का बैकअप कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या फिर कुछ फीचर्स ठीक से ना काम करे तो बाद में आप प्रीवियस रिकवरी को रिस्टोर कर सकते हो। उसके बाद आप इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, देन स्टोरेज सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल इमेज पर क्लिक कीजिए, इससे इमेज फाइल्स शो हो जाएगा। एंड इसके बाद आप फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो, नॉर्मल वेरिएंट, स्पाइडरमैन वेरिएंट। तो सिलेक्ट करने के बाद देन आप रिकवरी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसे स्वाइप करके फ्लैश कर दीजिए। तो अभी यह इंस्टॉल हो गया है, देन आप अपने फ़ोन को फिर से रिकवरी पे ओपन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है एंड ऐसे करके आप इसकी स्पाइडरमैन वेरिएंट को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपके फ़ोन में भी अगर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी बताना है तो कमेंट कीजिए एंड अगर आपने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साइड पे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।